डे 11 मैथ का यूनिट नंबर 5 का आज हम करेंगे पेज नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहे हैं राइट एंड करेक्ट आंसर। वो कह रहे हैं लिखें करेक्ट आंसर। शेयर 19 जेली बीन्स इक्वली उमंग 3 चिल्ड्रन। आपको उन्होंने 9 जेलीज दी गई हैं और वो कह रहे हैं कि 3 बच्चों में एक जैसी डिवाइड करें। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ये वाला। टोटल कितनी जेलीज थी आपके पास? 9। और उन्होंने डिवाइड करने के लिए बोला था कि 3 चिल्ड्रंस में आपने इक्वली डिवाइड करनी है। ऐसा ना हो कि किसी के पास 2 चली जाए, किसी के पास 1। तीन बच्चे हैं और तीनों को एक जैसी जाली जानी चाहिए। तो हम लोग 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ पे 9 आता है। जैसे कि आप 9 अंदर रखें, 3 बाहर, 3 का टेबल वहाँ तक पढ़े जहाँ पर आपका 9 आता है। 3 3 ज़ा 9, इक्वल डिवाइड हो गया, इट्स मीन यहाँ पर आपका आएगा 3। अब आप 3 का टेबल 3 तक पढ़ें, देखिए आपके पास 9 आता है। 3 3 ज़ा 9, इट्स मीन आपका जो ये आंसर है वो आपका बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड बी पार्ट देखें, ईच चाइल्ड गेट डैश स्ट्रॉबेरीज। उन्होंने आपको टोटल 14 स्ट्रॉबेरीज दी गई थी, तो सबसे पहले आपने लिखना है 14, क्योंकि आपके पास 14 स्ट्रॉबेरीज थी और वो कहती कि 2 बच्चों में उसको आपने तकसीम करना है, डिवाइड करना है इक्वली। तो 2 का टेबल हम लोग वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ पर हमारे पास आता है 14। 2 7 ज़ा 14, यानी एक बच्चे को 7 स्ट्रॉबेरीज मिली। अब हम लोगों ने यहाँ पे राइट करना है कि एक बच्चे को 7 स्ट्रॉबेरीज मिली। और आपका है क्वेश्चन नंबर 2, आपका सेम इसी तरह ये आपने होमवर्क में सॉल्व करना, आपका पूरा पेज बुक वर्क ही होगा, ये आपका सॉल्व बुक पे होगा।